ये हम लोग आ गए इसके अंदर। तो अंदर से दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है ये इमामबाड़ा, कितनी खूबसूरत नक्काशी है। ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत फूल वगैरह उकेरे गए हैं इसी प्लास्टर पे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल केपी सिंह ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक इमामबाड़ा। लखनऊ का इमामबाड़ा तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा इमामबाड़ा दिखाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतापुर जनपद के खैराबाद कस्बे में। यहाँ पे मौजूद है मक्का जमादार का एक खूबसूरत इमामबाड़ा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत इमामबाड़ा। तो सामने से कुछ ऐसा दिखता है ये इमामबाड़ा। सामने इधर आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, मक्का जमादार इमामबाड़ा। दोस्तों इन्होंने ही इस पूरे इमामबाड़े का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी खूबसूरत इमामबाड़ा आपको दिख रहा होगा। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंदर जाने का कोई भी रास्ता अभी तक खुला नहीं है, और यहाँ पे सामने ट्रैक्टर वगैरह लगा है, और यहाँ पे कोई कुछ घटना हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसका जो बाहर का हिस्सा है वो आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे इसका जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे आप देखेंगे कितनी खूबसूरत नक्काशी है। हालांकि नीचे का जो कुछ हिस्सा है अभी टूट चुका है, नीचे आपको लखौड़ी ईंटें और उखड़ी हुई और प्लास्टर आपको झड़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक सामने कुछ दरवाजा है वो भी टूट चुका है, हालांकि उस समय ये काफी मजबूत रहा होगा, काफी खूबसूरत रहा होगा। और मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि इस इमामबाड़े का जो प्रवेश द्वार है उस पर कितनी खूबसूरत नक्काशी है। दीवार को आप अगर देखेंगे करीब से तो यहाँ पे ये जो खूबसूरत नक्काशी है इसमें फूल पत्तियां बनी हुई है, और ये जो नक्काशी है दोस्तों ये चूने के प्लास्टर के ऊपर उकेरी गई है। तो मैं एक बार आपको इसका पूरा व्यू दिखा देता हूं। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना शानदार रहा होगा जब इसका निर्माण कराया गया होगा। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो मछलियों के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो मछलियां हैं ये अवध की सुख और समृद्धि की निशानी है। आप अवध के किसी भी क्षेत्र में किसी महल, पैलेस और इमामबाड़े को देखने जाएंगे तो ये मछलियों के निशान आपको हर जगह मौजूद मिलेंगे। ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे एक गोल आकृति बनी है, और वहाँ पे अभी अपने देश का झंडा लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ चीज़ कोई चीज़ रखी होगी, और इसके दोनों तरफ छोटी छोटी बुर्जियाँ होंगी, लेकिन अभी तो दोस्तों ये टूट गई हैं। बाकी आप इस साइड देखेंगे, इसका दाहिने साइड का पोर्शन, तो यहाँ पे नीचे का जो प्लास्टर है वो उखड़ चुका है, ईंटें आपको साफ नज़र आ रही होंगी। और इधर देखेंगे तीन मेहराबें बनी हुई हैं, खिड़कियाँ लगी हुई हैं, और उस समय शायद यहाँ पे पहरेदार रहा करते होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बुर्ज बनी हुई, यहाँ पे भी पहरेदार खड़े रहा करते होंगे। तो चलिए हम लोग अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन हम आपको साइड से दिखा देते हैं और कुछ इसका हिस्सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी दोस्तों जब यहाँ पे नवाब साहब या फिर मक्का दर्जी जी रहा करते होंगे तो यहाँ पे उनके सुरक्षा कर्मी यहाँ पे खड़े रहते होंगे इस पूरे इमामबाड़े की सुरक्षा के लिए। इसके बाएं हिस्से पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कमरा टाइप का बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे भी उनके जो सुरक्षा कर्मी वो खड़े रहा करते होंगे। अभी यहाँ पे दरवाज़ा लगा है जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। बाकी ये सामने इसका मेन एंट्री गेट था जो कि अभी बंद कर दिया गया है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आपको बड़े बड़े दरवाजे दिख रहे होंगे। दोस्तों ये उसी टाइम के दरवाजे हैं जब इसका निर्माण कराया गया होगा। सामने आप देखेंगे इनमें कीले लगी हैं, ये कीले इसलिए लगाई गई थी ताकि अगर कोई आक्रमणकारी आए, इस भवन पे आक्रमण करे, हाथी घोड़े लेके आए, तो हाथी घोड़े इसको, इस दरवाजे को तोड़ ना सके। ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर आप देखिएगा काफी खूबसूरत नक्काशी थी, लेकिन अभी तो यहाँ पे दोस्तों ये
किसी आग वाग की वजह से ऊपर काला हो गया, हो सकता कभी यहाँ पे कोई दुर्घटना हुई हो और यहाँ पे आग लग गई हो जिसके धुएं से ये पूरा काला हो गया। अगर हम आपको सामने दिखाएं तो आपको सामने जो मेन बिल्डिंग इसकी दिख रही है दोस्तों, वही इमामबाड़ा है और हमें परमिशन नहीं तो हम आपको इसको अंदर से जाके दिखाते। और सामने देखेंगे तो वहाँ पे हमें 5 दरवाजे दिखेंगे, 5 द्वार दिखेंगे और उन दरवाजों के ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी करी गई है, कितनी खूबसूरत कंगूरे बनी है। इसके ऊपर देखेंगे तो ताकनुमा आकृति बनी हुई है जिसके अंदर अभी भी दोस्तों कलर भरे हुए हैं। ये दोस्तों कलर नेचुरल कलर हैं जो कि आप अभी सामने देख रहे हैं। तो उसके ऊपर देखेंगे तो जो आपको ये बाउंड्री ऊपर दिख रही है वो दोस्तों इमामबाड़े से काफ़ी मिलती जुलती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इसको बाहर से दिखाया, अंदर जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे कुछ नन्हे मुन्ने दोस्त हैं यहाँ पे, ये देखिए हाय करो सब लोग। तो इन्होंने हमें बताया कि बगल से रास्ता है और ये लोग हमें लेके जा रहे हैं आज के इमामबाड़े के, यही लोग हमारे गाइड हैं। तो चलिए दोस्तों आपको अंदर से इसका पूरा जो नक्काशी है, पूरा जो डिज़ाइन है, जो कारीगरी है वो दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए इसके अंदर दोस्तों, सामने आप देखिएगा, आपके सामने खूबसूरत इमामबाड़ा है। नक्काशी देख के आप हैरान हो जाएंगे, ऐसी नक्काशी शायद ही आपने किसी महल किसी इमामबाड़े में देखी होगी। ठीक है, जब हम आगे इसके अंदर आते हैं तो जो प्रवेश द्वार का अंदरी भाग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो दरवाजे लगे हैं दोस्तों, ये उसी टाइम के हैं जब इसका निर्माण कराया गया था। तो ऊपर देखेंगे मेहराब में काफ़ी खूबसूरत नक्काशी है और छत पे भी काफ़ी नक्काशी है, हालांकि अभी प्लास्टर जो है काला पड़ गया है। और यहाँ पे मेहराबों में आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत नक्काशी थी, हरा कलर का पेंट था लेकिन अभी सब छूट गया है। तो इसके साइड हम देखेंगे दोस्तों, ये सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाया गया एक कक्ष है जिसमें सुरक्षा कर्मी खड़े रहते थे और इस पूरे इमामबाड़े की सुरक्षा करते थे। इसके बाएँ तरफ भी आप देखेंगे वैसा ही सेम कमरा बना हुआ है। और इसके इस तरफ आप देखेंगे बाएं हिस्से पे, तो यहाँ पे भी कुछ कक्ष वगैरह बने हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो इस इमामबाड़े के देख रेख करते होंगे, उनको रहने की व्यवस्था करी गई है। थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बुर्ज, थोड़ा ऊपर देखेंगे आप तो सामने आपको एक गोल कलर का छोटा सा दरवाज़ा देख रहा होगा, वो दोस्तों खिड़की है, खिड़की है। और देखिए कितनी शानदार तरीके से उसको गोल गोल बनाया गया है, ये देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। इधर आप देखेंगे तो काफी फूल पत्तियां हैं जिन पे आपको अभी भी पेंट नजर आ रहा होगा। दोस्तों ये नेचुरल कलर होते हैं जो जिनको फूल पत्तियों से बनाया जाता था। तो अब नीचे देखेंगे यहाँ पे काफ़ी हिस्सा जो है जर्जर हो चुका है, लकौड़ी ईंटें आपको साफ नज़र आ रही होंगी, इसका प्लास्टर छूट चुका है। और इधर देखेंगे बाएं हिस्से में ही एक और बरामदा टाइप का बना हुआ है। अब ये नहीं पता कि उस ज़माने में इसको किस लिए यूज़ किया जाता होगा, लेकिन जिस लिए भी यूज़ किया जाता होगा काफ़ी शानदार ये कमरा है। ऊपर देखिए उस ज़माने में दोस्तों सरिया वगैरह नहीं होता था तो ईंटें फंसा के किस तरीके से लोग छत बनाते थे, ये देखिए दोस्तों। और हम देखेंगे इसके दाहिने हिस्से में सेम ही ऐसा एक कक्ष बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी ऊपर आपको लाल और नीले कलर का कलर लगा हुआ मिल जाएगा। ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत फूल पत्तियों की नक्काशी है जिनमें अभी भी कलर आपको साफ नज़र आ रहा होगा, जिनमें लाल और नीला कलर हमें यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। और देखिए कितनी खूबसूरत मेहराबें हैं, वैसे ही गोल खिड़कियाँ, नीचे का हिस्सा काफ़ी जर्जर। चलते हैं इस कक्ष के अंदर। तो ये है कुछ इसके दाहिने हिस्से के कक्ष का नज़ारा, ये देखिए दोस्तों। हालांकि जो नक्काशी है वो काली पड़ चुकी है, काफ़ी ब्लैक हो गई है, तो ये आपको साफ नज़र नहीं आ रही होगी। हम चलते हैं अब इसका कुछ और हिस्सा आपको दिखाते हैं।
तो जाने से पहले मैं एक बार और आपको इस पूरे इमामबाड़े की नक्काशी दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। किसी भी महल में इतनी खूबसूरत कारीगरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको दोस्तों एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना खूबसूरत यहाँ पे बना हुआ है इमामबाड़ा। दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत मेहराबों पे नक्काशी है, कितनी खूबसूरत कंगूरे बने हुए हैं। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर। तो ये था दोस्तों इसके अंदर का सीन। काफी खूबसूरत है दोस्तों यहाँ पे हो सकता है। तो ये है दोस्तों इसके अंदर का सीन। देखिए कितना खूबसूरत, ऊपर देखिए कितने खूबसूरत फूल बने हुए हैं और वहाँ पे कलर भरे हुए हैं। सामने जो ऊपर आप छल्ले देख रहे हैं, इनमें कभी किसी समय खूबसूरत झूमर वगैरह लटके होंगे और काफ़ी अंदर खूबसूरत सजावट होगी। लेकिन अभी तो ये पूरा काला पड़ गया, हो सकता है इसके अंदर कोई आग वगैरह लग गई हो जिसकी वजह से सब काला पड़ गया है। देखिए कितना खूबसूरत है जो यहाँ पे कम से कम मुझे 5 द्वार दिख रहे हैं और इनके ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है दोस्तों। ये देखिए, और ये देखिए मैं आपको खंभे दिखा रहा हूँ, खंभों पे कितनी खूबसूरत नक्काशी है। और यहाँ पे मैं इसके और थोड़ा अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पे भी छत पे काफ़ी खूबसूरत नक्काशी हुआ करती थी, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मिट गई हैं और हो सकता है किसी आग वाग की वजह से पूरा का पूरा यहाँ का जो ये प्लास्टर है ब्लैक हो गया है। ये देखिए दोस्तों, इसके और ऊपर यहाँ से चढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक काफी चौड़ी गैलरी है, इसके दोनों तरफ रूम बने हुए हैं और रूम तो काफी अभी सिंपल है, कोई नक्काशी नहीं है। बाकी मैं उसके दूसरे रूम में चलता हूँ। काफी दोस्तों गंदगी है, टूट फूट है। तो ये सामने देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे दरवाजे लगे हुए हैं और ये दरवाजे दोस्तों लकड़ी के जालीदार हैं और यहाँ पे भी कोई ऊपर नक्काशी नहीं, सिंपल डिजाइन है। और इनकी मेहराबों में दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे नक्काशी है, फूल वगैरह बने हुए हैं, काफी शानदार है। ये देखिए, और जितनी बार भी आप इसको देखोगे उतनी बार मेरे हिसाब से दोस्तों कम होगा। तो काफी शानदार दोस्तों ये इमामबाड़ा है। देखिए इतना खूबसूरत इमामबाड़ा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ये देखिए, और इस तरफ मैं देखता हूं कि इन कमरों में क्या है। तो मैं इसके अंदरी भाग में आपको ले आया हूँ। देखिए ये कोई रूम है, यहाँ पे हो सकता है मक्का दर्जी जी रहते हों या फिर जो भी इस इमामबाड़े की देख रेख करते हों वो यहाँ पे रहा करते होंगे। और मैं साइड के और जो छोटे छोटे रूम हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है, कोई छोटा सा रूम है दोस्तों। और मैं सीढ़ियों से इसके आपको दूसरे तल पे ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों दरवाजे लगे हैं, ऊपर से दोस्तों बड़ा हॉल है, यहाँ पे
दो तीन मेहराबें बनी हुई हैं और यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत प्लास्टर पर नक्काशी है, लेकिन अभी तो सब छूट गई है। और यहाँ पे भी एक मेहराबदार दरवाज़ा है जिससे हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पे एक और खूबसूरत छोटा सा कमरा आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत यहाँ पे मेहराबों पे नक्काशी है। और ऐसा ही एक छोटा सा कमरा ये है और ये छोटी सी एक गैलरी बनी है। देखिए काफी खूबसूरत है दोस्तों। अब मैं यहां से चलूंगा नीचे। लगभग मैंने आपको ये पूरा इमामबाड़ा दिखा दिया है। तो ये था आपके सामने खैराबाद का खूबसूरत इमामबाड़ा। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूँ, इसकी बनने की वजह बता देता हूँ। इतिहासकारों के अनुसार मक्का इमामबाड़े का निर्माण अवध के नवाब नशीरुद्दीन हैदर ने 1835 ईस्वी में करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि मक्का दर्जी के कहने पर नवाब नशीरुद्दीन ने इसका निर्माण कराया था। मक्का दर्जी नशीरुद्दीन के दरबार में काम किया करते थे। वह उनके दरबार में दरोगा के पद पर नियुक्त थे, जिसको जमादार भी कहा जाता था। एक बार एक शेरवानी सिलने के लिए नवाब नशीरुद्दीन ने उनको बुलवाया और शेरवानी का जो कपड़ा था उसमें एक कड़ा हुआ गुलाब था। नवाब की इच्छा थी कि शेरवानी ऐसे सिली जाए जिससे वो गुलाब का फूल उनके सीने पर आ जाए। मक्का दर्जी ने ठीक वैसी ही शेरवानी सिल दी और गुलाब नवाब के सीने पर आ गया, जिससे खुश होकर नवाब नशीरुद्दीन ने मक्का दर्जी से कहा, तुमको क्या इनाम चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि मक्का दर्जी ने उनसे कहा कि हमको इनाम के बदले में इमामबाड़ा और मस्जिद का निर्माण हमारे पैतृक गांव खैराबाद में करवाया जाए। और इस तरीके से इस इमामबाड़े का निर्माण हुआ। यह इमामबाड़ा लखनऊ के इमामबाड़े की नकल कहा जाता है। और इस इमामबाड़े में अवधी और मुगलिया शैली आपको साफ नज़र आ जाएगी। और एक कहानी यह भी है दोस्तों कि मक्का दर्जी नवाब नशीरुद्दीन सास के दरबार में उनके लिए कपड़े सिला करते थे और सिलाई के बदले वो नवाब से काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज किया करते थे, जिसकी खबर दरबार में फैल गई और उन पर आरोप लगे कि ये नवाब से कपड़े सिलने के बदले काफ़ी ज़्यादा राशि चार्ज करते हैं, जिसके वजह से उनको नवाब ने दरबार से निकाल दिया और मक्का दर्जी दरबार से निकलकर अपने पैतृक गांव खैराबाद आ गए। और यहां पर आकर उन्होंने जितना भी अपने जीवन में जमा पूंजी इकट्ठा करी थी सबको मिलाकर उन्होंने अपने पैतृक गांव में इस खूबसूरत इमामबाड़े और मस्जिद का निर्माण कराया। अब इन कहानियों में दोस्तों कितनी सच्चाई है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह खैराबाद का इमामबाड़ा बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही वैभवशाली है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ये पूरा जो मक्का दर्जी का ये इमामबाड़ा था वो दिखाया और जो भी इतिहास मुझे पता था मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और जो भी भाई नए हैं प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और धन्यवाद हमारे इन नन्हे दोस्तों का जिन्होंने हमें मदद करी
इस पूरे इमामबाड़े का वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।